हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल रजिस्टर के लिए आप क्या करेंगे। ये जो लिंक देख रहे हैं आप, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और जहाँ क्लिक करके आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक सिलेक्ट लैंग्वेज टैब दिखेगा, जिसमें क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज को अपने सुविधा अनुसार किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप हिंदी में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सब कुछ आप हिंदी में देख सकते हैं। ऊपर छोटे टैब्स हैं, उसमें क्लिक कीजिएगा तो पहुंच सकते हैं आप, और ऐसे स्क्रॉल डाउन करके भी आप जा सकते हैं। तो दो उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपना ट्यूबवेल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत रूप से आवेदन, उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, और दूसरा है ऑनलाइन आवेदन, उसके लिए भी लिंक है और कुछ जानकारी है और आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें आपको साथ में लेकर जाना है। यहाँ पे देखिए आवश्यक जानकारी जो है उसमें आपको नाम, पता, भूमि के उपलब्धता और आपका आपसे संपर्क के लिए और ईमेल आईडी और आपका एड्रेस और उस ज़मीन का विवरण और आप जो जिस एरिया में करना ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं उनका भी उसका भी विवरण, पेमेंट रसीद भी देना है और नंबर उसका पेमेंट रसीद का नंबर और आपके बैंकिंग विवरण। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों में आपका पूरा आवेदन पत्र और वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उस एरिया का एक स्केच मैप करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा साइन करना होगा। एनओसी देना है पड़ोसियों से अगर आवश्यक हुआ तो। उस जमीन का पट्टा और सेल डीड भी देना है और पेमेंट रसीद। आइए अब देख लेते हैं कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ पे लिंक दिया गया है जिसमें क्लिक करके आप इस पेज में आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ एनओसी टू एब्स्ट्रैक्ट ग्राउंड वाटर, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनओसी में क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन टैब ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो इस पेज में आ जाएंगे। इसमें आकर आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा डालना है और उसके बाद लॉगिन करना है। और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो न्यू यूज़र रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डालना ही होगा और आपका जो अटैचमेंट होगा वो 300 KB के इक्वल होना होगा या कम होना होगा। टाइटल, आप नाम, यूज़र नेम और इसके उसको आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज़र नेम का। ईमेल एड्रेस कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और ध्यान रहे इस मोबाइल नंबर में आपको एक OTP दिया जाएगा जिससे आप अपने मोबाइल को वेरीफाई करेंगे उसके द्वारा। एड्रेस लिंक यहाँ पे देना है
उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर है उसमें से देना है, जेंडर, आईडी प्रूफ टाइप सिलेक्ट करना है, उसका यूनिक नंबर यहाँ पे डालना है और उसका स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड बटन में प्रेस कीजिएगा। उसके बाद वापस से इस पेज में आएंगे और लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको एक और एक ऑप्शन पेज मिल जाएगा और उसमें आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना है, जहां आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक है इंडस्ट्रियल दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है माइनिंग एप्लीकेशन तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है, आपके यूज़ के अनुसार आप उसमें सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आप विवरण दे रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं हर एक सेक्शन में, उनको सेव एज ड्राफ्ट आपको बटन में प्रेस करना है ताकि डिलीट ना हो जाए। और उसके बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उस टैब में जाकर सारे स्कैन सील्ड और साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करना है उस टैब में जा कर के, और सबमिशन के पहले आपको सील और अपना साइन कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा और आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो जो नंबर है उसको संभाल के रखिएगा और उसके बाद आपका जो आवेदन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा ऑफिसर्स के पास ऑटोमेटिकली और आपको कोई हार्ड कॉपी उनके लिए जमा नहीं करना होगा। और ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो दूसरे बार आप उस इंफॉर्मेशंस को एडिट नहीं कर पाएंगे। आवेदन का स्थिति अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको 30 दिन का समय लगेगा, तो उस स्थिति जानने के लिए आप वापस से होम पेज में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा ट्रैक योर एप्लीकेशन है, उसमें क्लिक करके ऑनलाइन ट्रैकिंग में क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा अपने एप्लीकेशन का स्थिति जान सकते हैं। और उसमें व्यू में आपको स्टेटस व्यू में देखना होगा। तो आज के लिए ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपका अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप समय से पाते रहें। धन्यवाद।